हाँ दोस्तों, मैं हूँ राजवंत सिंह मौली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। जो आज का टॉपिक है वो रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए है। वो रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए क्या है, लोग कहते हैं जो रियल एस्टेट का काम शुरू करे, मेरी ट्रेनिंग सेशन में आते हैं लोग, वो पूछते हैं कि सर हमने कस्टमर के ऊपर ध्यान देना है या प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान देना है, दोनों अलग अलग बातें हैं। यदि आप प्रायोरिटी किस पे दे रहे हो, आप रियल एस्टेट एजेंट का काम कर रहे हो, एज एन एजेंट काम कर रहे हो, तो उसमें आपको प्रायोरिटी देखनी, प्रायोरिटी कहाँ पर देनी है, प्रायोरिटी कहाँ पर देनी है, कस्टमर पे देनी है या प्रॉपर्टी पे देनी है। दोस्तों यदि आप कस्टमर पे दोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर सर्च करनी पड़ेगी उसके लिए, ये सारा प्रॉपर्टी का ही सर्च करना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी सर्च करके आपको और भी वैरायटी मिल जाएगी, आपको अगले किसी और आने वाले जो संभावित कस्टमर हैं, आपके जो परचेजर हैं, उनके लिए आप प्रॉपर्टी काफ़ी इकट्ठी कर लोगे, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन यदि आप प्रॉपर्टी पर आपका कंसंट्रेशन करते हो, प्रॉपर्टी ढूंढते हो, मल्टीपर्पज़ प्रॉपर्टी सपोज ढूंढ लेते हो, या कोई ऐसी निगलेक्टेड प्रॉपर्टी ढूंढ लेते हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन छुपा हुआ है, और या मल्टीपर्पज़ प्रॉपर्टी ढूंढने में कामयाब हो जाते हो, या डेथ केस प्रॉपर्टी को मैनेज करने में कामयाब हो जाते हो, तो वो आपके लिए एक सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। सपोज़ आप मल्टीपर्पज़ प्रॉपर्टी ढूंढने में कामयाब हो गए तो आपके पास एक अनार 100 बीमार वाला फार्मूला बन जाएगा। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने प्रॉपर्टी क्या ढूंढी है। यदि ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ लो जैसे मैंने अपने वीडियोज़ में बताया, मल्टीपर्पज़ प्रॉपर्टी, मैंने अपनी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में भी बताया कि बहुमंतवी प्रॉपर्टी कैसे ढूंढनी है, क्या होती है। सो बहुमंतवी प्रॉपर्टी जिसको एक तरीके से ज़्यादा तरीके के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम मल्टीपर्पज़ प्रॉपर्टी कहते हैं। यदि हम मल्टीपर्पज़ प्रॉपर्टी ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये समझो कि हमें कस्टमरों की लाइन लग सकती है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी मैंने सरहिंद में बताई है और राजस्थान में बताई है, एमपी में बताई है, जो आप उसको चाहे उसमें दुकानें निकाल दो, चाहे उसमें प्लॉट निकाल दो, चाहे इंडस्ट्री प्लॉट निकाल दो, चाहे उसमें कुछ मकान बना के बेच लो, जो मर्जी कर लो, इस तरह के कस्टमर आपको एक से ज़्यादा कस्टमर होते हैं वो मिल जाते हैं। और ये देख लेना कि मास्टर प्लान की किस कैटेगरी में, ये देखने वाली बात है बस। यदि मास्टर प्लान की कैटेगरी सही हो, मतलब मिक्स लैंड यूज़ में हो, तो आप 100% मल्टीपर्पज़ प्रॉपर्टी के लिए जाओ। मल्टीपर्पज़ प्रॉपर्टी में आपको कस्टमर ही कस्टमर मिल सकते हैं और आपके लिए ये सोने का खान साबित हो सकती है। सो दोस्तों ये दोनों ही चीज़ें कस्टमर के लिए, जब आप कस्टमर को फोकस करते हो तो आपका प्रॉपर्टी ढूंढने में मन जाता है, और जब आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है तो कस्टमर देखने में जाता है। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि यदि मैं प्रॉपर्टी अच्छी ढूंढ लेता हूँ तो उसमें कस्टमर अपने आप ही नज़र में आने शुरू हो जाते हैं कि ये आदमी ले सकता है, ये आदमी ले सकता है, ये आदमी ले सकता है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाले MLM कंपनी वाले लिस्ट बनाते हैं कि ये हम इस बंदे को कॉन्टैक्ट करना है, इस बंदे को कॉन्टैक्ट करना है, इस बंदे को कॉन्टैक्ट करना है, तो आप उस तरीके से उनकी लिस्ट बना के उनको एक एक बंदे को प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकते हो, जिसके पास फंड्स अवेलेबल होंगे, जिसके पास जिसका मन होगा और जिसका मतलब जिसको ज़रूरत होगी, वो आदमी एक मिनट में आपके साथ आगे डील करके आपको कमीशन देने के मतलब योग बना देगा। आप कमीशन लेके उसको कमाई करोगे और आपका नाम भी अच्छा चमक जाएगा, क्योंकि जो ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी के बाद जब आदमी को प्रॉफिट होता है तो वो एक आदमी को प्रॉफिट हो गया तो वो सारे अपने यारों दोस्तों को भी आपके साथ मिलाने की कोशिश करेगा। दोस्तों ये था आज का टॉपिक, और उम्मीद है कि ये आपको अच्छे तरीके से इसको समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आगे से आप ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे जो आपको ठीक लगे, लेकिन मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेगी आपके साथ। मैं ये अपने 27 ईयर का जो तजर्बा है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, जो जैसे भी जिस तरीके से आपका फ़ायदा हो सकता है वो फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और ये वीडियो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, हाँ
जो दोस्त सब्सक्राइब कर रही हैं वो घंटी वाला बटन दबाना ना भूले, और जो आपका सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो। सो दोस्तों, मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें। राजवंश सिंह मोहाली आपका दोस्त।